हुआ, ये क्या वजह रही और कितने हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं वो शहीद हुए इस घटना? देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे, इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर JCB लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पर गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल CO साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे IG, ADG और यहाँ से हमने ADG लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें STF को भी लगाया गया है और IG STF वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो STF यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहद ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है, जिसके लिए एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो रहते हैं शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और CO को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कंप्लेंट प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो रहते हैं उसमें जो रहते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो रहते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जो रहते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई है अभी? अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके भी रहते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जो आते हैं वहां से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम शीघ्र जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। यही तो छतों से छतों पर पक्षे छतों से इस छत के साथ छतों से